हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में किया था, फैक्टर्स के बारे में कुछ आइडेंटिटीज़ की थी, शायद आपने याद कर ली हो। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन जो मैंने बताया था, फैक्टराइज वाला। फैक्टराइज, एक फैक्टराइज हमने पहले भी किया था, वो था जिसके अंदर सिर्फ अकेला एक्स था या वाई था। सिर्फ क्या था, या तो एक्स या वाई, इसमें क्या है, दोनों एक्स और वाई। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा था, ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर पढ़ा था, और ए माइनस बी के लिए ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर ये पढ़ा था। तो देखो, जब यहाँ हमें दिखाई दे जाए स्केयर, क्या दिखाई दे जाए, स्केयर, तो हमारे पास इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी बनानी होगी हमें। कोडिट, क्या जब हमें क्या दिखाई दे जाए, स्केयर, तो इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी, क्यूब दिखाई दे जाए तो क्यूब वाली आइडेंटिटी। कोडिट, तो अब देखो इसमें हमें स्केयर दिखाई दे रहा है, इट मीन्स हमें ये वाली आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी दोनों में से कोई भी एक। देखो कहीं भी माइनस नहीं आ रहा, प्लस ही है, तो प्लस वाली आइडेंटिटी, अगर कहीं भी माइनस आता तो माइनस वाली। समझे, जब स्केयर आ जाए तो कौन सी, स्केयर वाली आइडेंटिटी, अगर कहीं भी माइनस ना हो, सारे के सारे प्लस हो, तो प्लस वाली आइडेंटिटी, माइनस आ जाए तो माइनस वाली आइडेंटिटी। कोडिट, अब देखो इसमें हमें प्लस है तो प्लस वाली ये आइडेंटिटी हमें बनानी होगी। कैसे, 3x 9x स्केयर, मैं इसे ये राइट कर सकता हूँ, 3x का होल स्केयर। देखो ये सिर्फ एक्स का स्केयर है, हमें होल स्केयर चाहिए, तो 3x का होल स्केयर। फिर इसे मैं राइट कर सकता हूँ वाई स्केयर को वाई स्केयर ही। अब अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, तो देखो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ए की, ये किसकी वैल्यू है, बी की। कोटेड, अगर उससे कंपेयर करता हूँ तो ये ए की वैल्यू, ये बी की, और हमें यहाँ पर चाहिए क्या, देखो ए स्केयर बी स्केयर बी स्केयर, बीच में क्या आएगा, 2ab। तो मैं इसे राइट कर लेता हूँ, 2, हमारे केस में ए कितना है, 3x, और बी कितना है, वाई। गॉट इट, तो देखो फॉर्मूले में 2 हमें चाहिए, तो इसलिए यहाँ हमेशा 2 ही आएगा, बाद में चाहे कुछ भी लिखो, यहाँ हमेशा क्या आएगा, 2। देखो 3x² y² यहाँ फॉर्मूले के लिए हमें 2 चाहिए, तो 2 हमने लिख दिया, तो बाकी जो बच गया 6 है, 2 राइट कर दिया, तो 3xy। गॉट इट, यही लिखना है जो यहाँ लिखा होगा एज इट इज। तो अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, ए प्लस बी का होल स्केयर। देखो ए स्केयर बी स्केयर 2ab, ए प्लस बी, ए कितना है, 3x, बी कितना है, वाई, इसका होल स्केयर, ऐसे करना होगा। गॉट इट, नेक्स्ट। जैसे तो इसे बार बार करना, आप अगर नहीं हो तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना कैसे करेंगे। देखो 1 को मैं स्केयर लिख लेता हूँ, स्केयर आया तो मुझे पता लगा इन दोनों में से स्केयर वाली आइडेंटिटी। मैंने कहा अगर दोनों प्लस हो तो प्लस वाली, अगर एक भी माइनस आ जाए तो माइनस। तो अब एक माइनस आ गया तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर, माइनस वाली। गॉट इट, तो कैसे लगेगी, देखो 4y² को मैं राइट कर लेता हूँ, 2y का होल स्केयर, 1 हमारे पास स्केयर में है ही, ये माइनस, मैंने कहा 2 आना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 2 मैंने राइट कर दिया। उसके बाद ये जो हमारे पास बची हुई वैल्यूज, 2y 2y और इन 2 1, हमारे केस में 2y a होगा और ये क्या होगा, b, तो 2ab होता है, तो 2ab। अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, देखो माइनस आया तो माइनस का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। गॉट इट, इस वीडियो को आप बार बार देखना अगर नहीं समझ आए तो। नेक्स्ट देखो, इजी क्वेश्चंस है, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन बुक में है तो कर लो। नेक्स्ट, जैसे x² - y² / 100। देखो मैं वाई स्केयर टेन, मैं ये लिख सकता हूँ 10, 100 को 10 का स्केयर, y/10 का होल स्केयर। ठीक है, कैसे, देखो इसको मैं y² / 10 का स्केयर लिख सकता हूँ, दोनों पे स्केयर है तो होल स्केयर। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमने पढ़ा था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, गॉट इट, तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर
इसके बाद जो था फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या था? 4x² + 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखो इतना देखकर मुझे लगा स्केयर स्केयर तो स्केयर वाली आइडेंटिटी पक्का, लेकिन कितने हैं एक्स वाई और जेड, उसमें थे एक्स और वाई, यहाँ कितने होंगे वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो हमें पता लग गया कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। क्या होती है? ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर, 2ab, 2bc, 2ca। तो देखो बनाओ, 4x² को लिखेंगे 2x का स्केयर, 9y² को 3y का स्केयर, 16z² को 4z का स्केयर। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर, तो ये किसकी वैल्यू? ए की। ये किसकी वैल्यू? बी की। ये किसकी वैल्यू? सी की। फिर 12xy, गॉट इट, 12xy, तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 ए बी, ए कितना है हमारे पास 2x और बी कितना है हमारे पास 3y, गॉट इट, यहाँ तक कोई डाउट? फिर माइनस, फिर 12, 24, तो 2, ठीक है, वाई जेड, तो यहाँ पर बी सी था ना, तो बी की वैल्यू कितनी है 3y और जेड की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी है 4z, 2bc था तो 2bc, फिर 2ca, 2, गॉट इट, ca, ca क्या आएगा देखो हमारे पास, सी कितना है 4z और ए कितना है 2x, इस टाइप से बनाएंगे। साइन को भी आपने नहीं देखना, साइन जैसे है वैसे ही लिखे रहने दो, सिर्फ ये टर्म्स चेक करो, गॉट इट। इसको देखकर बनाओ 2ab, 2ab, ए हमारे पास ये था, बी ये था, ऐसे राइट कर दो। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो फॉर्मूला इन तीन से बनेगा, ए बी सी से, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम ए बी सी राइट करते हैं, ए बी सी इसका होल स्केयर। देखो ये ए स्केयर है तो इट मीन्स ए की वैल्यू 2x होगी। अब देखना बीच में साइन कौन सा आएगा वो देखो। देखो जहाँ x और y है उनके आगे किसका साइन है? प्लस का। ध्यान से समझना, जहाँ x और y है वहाँ किसका साइन है? प्लस का, तो बीच में प्लस, गॉट इट। जहाँ z आ रहा है उनके आगे की, देखो जहाँ x और y थे प्लस का साइन, लेकिन जहां जैसे ही जेड आया उनके आगे किसका साइन हो गया? माइनस का। देखो यहाँ जेड आया माइनस, यहाँ जेड आया माइनस, तो जेड के आगे माइनस का, गॉट इट। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये आप जरूर करना, आज फैक्टराइज वाले इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बुक में है तो कर लो। नेक्स्ट जैसे हमें गिवन है आज के लिए इतना ही करेंगे, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, बाकी कल, गॉट इट।